बाप बेटे रूह कुदस के नाम में आमिन। आ चुका हूँ तेरे दर पर अब दुआ के वास्ते, आ चुका हूँ तेरे दर पर अब दुआ के वास्ते, दस्त बसा चश्मे गिरियां इल्तजा के वास्ते, दस्त बसा चश्मे गिरियां इल्तजा के वास्ते, आया खाली हाथ हूँ मैं ऐ खुदावन दे करी, आया खाली हाथ हूँ मैं ऐ खुदावन दे करी, कर कर मुझ पर तू शाए अम्बिया के वास्ते, कर कर मुझ पर तू शाए अम्बिया के वास्ते, आ चुका हूँ तेरे दर पर अब दुआ के वास्ते। आए हम खुदावंत के जिंदा और पाक कलाम में से आज की पहली तलावत सुनते हैं। मलूक की पहली किताब उसके 10वें बाब की पहली आयत से 10वीं आयत तक। और सबा की मलका ने खुदावंत के नाम की बाबत सुलेमान की शोहरत सुनी तो मुश्किल सवालों से उसे आजमाने के लिए आई, और वो बड़े चलवा के साथ यरूशलेम में दाखिल हुई और उसके साथ खुशबुइयों से लदे हुए ऊंट और कसीर सोना और बेशकीमत जवाहर थे। और वो सुलेमान के पास आई और जो कुछ उसके दिल में था उसकी बाबत उससे गुफ्तगू की, और सुलेमान ने उसकी तमाम बातों की, उसके लिए तशरीह की, और बादशाह से कोई बात पोशीदा ना थी जिसकी उसने उसके लिए तशरीह ना की। और सबा की मलका ने सुलेमान की हिकमत को और घर को जो उसने बनाया था देखा, और उसके दस्तरखानों के खाने और उसके नौकरों के मकान और उसके खादमों का क्याम और उनका लबास और उसके जाम बरादर और उस सीढ़ी को जिससे वो खुदा के घर को जाता था, तो फिर उसमें जान बाकी ना रही। और उसने बादशाह से कहा, वो खबर सच थी जो मुझे मेरे मुल्क में तेरी बातों और तेरी हिकमत की बाबत पहुंची, लेकिन जो कुछ मुझसे कहा गया मैंने उसका यकीन ना किया जब तक मैंने आकर अपनी आंखों से ना देखा, और देख मुझे आधा भी ना बताया गया था। यकीनन तेरी हिकमत और अकबालमंदी उस खबर से जो मैंने सुनी ज्यादा है। खुश नसीब हैं तेरे लोग, खुश नसीब हैं तेरे खादम जो हमेशा तेरे सामने खड़े होकर तेरी हिकमत सुनते हैं। मुबारक हो खुदावंद तेरा खुदा जो तुझसे खुश है और जिसने तुझे इसराइल के तख्त पर बैठाया, क्योंकि उस मोहब्बत की खातर जो खुदावंद को इसराइल से अब तक है उसने तुझे बादशाह मुकर्रर किया ताकि तू इंसाफ और अदालत करे। और उसने बादशाह को 120 कंतार सोना और बहुत मकदार में खुशबूदार मसाले और बेश कीमत जवाहर दिए, और जितने खुशबूदार मसाले सबा की मलका ने सुलेमान बादशाह को दिए इतनी कसरत से फिर कभी ना आए। खुदा का कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। दिल से यार रूह से आए और सख्त ही बदकार
दिल से यार रू से आए और सख्त ही बदकार हूँ, ऊंट खुल सकते नहीं तेरी सना के वास्ते, ऊंट खुल सकते नहीं तेरी सना के वास्ते, आ चुका हूँ तेरे दर पर अब दुआ के वास्ते। अंजीले मुकद्दस बा मुताबक मुकद्दस मरकस आए खुदावंद तेरी समझी थो, उसका सातवां बाब और उसकी 14वीं आयत से 23वीं आयत तक हम सुनेंगे। और फिर हजूम को पास बुलाकर उनसे कहा कि तुम सब मेरी सुनो और समझो, कोई चीज़ बाहर से आदमी में दाखिल होकर उसे नापाक नहीं कर सकती, मगर जो चीज़ें आदमी में से निकलती हैं वही उसे नापाक करती हैं। जिसके सुनने के कान हों वो सुन ले। और जब वो हजूम के पास से घर में गया तो उसके शागिर्दों ने उससे उस तमसील की बाबत पूछा, और उसने उनसे कहा क्या तुम भी ऐसे ही ऐसे बेसमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि कोई चीज़ जो बाहर से आदमी के अंदर जाती है उसे नापाक नहीं कर सकती, इसलिए कि वो उसके दिल में नहीं बल्कि पेट में जाती है और जाए ज़रूर में निकल जाती है। यूँ सब खाने की चीज़ें पाक ठहरा कर उसने फिर कहा जो कुछ इंसान में से निकलता है वो ही इंसान को नापाक करता है, क्योंकि अंदर से यानी इंसान के दिल से बुरे इरादे निकलते हैं, यानी हरामकारियाँ, चोरियाँ, खून रेजियाँ, जनाकारियाँ, लालच, बदियाँ, मकर, शहवत परस्ती, बद नज़री, कुफर गोई, नुखूत, हमाकत, ये सब अंदरूनी बुराइयां निकल कर इंसान को नापाक करती हैं। यहाँ तक आज की अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएं मुआफ़ की जाएं। एम सी तेरी साइश हो मेरे अज़ीज़ो। इन आयात अकदस में खुदा यसु मसीह ने हजूम को अपने पास बुलाकर उनसे कहा तुम सब मेरी सुनो और समझो, कोई भी चीज़ बाहर से दाखिल होकर इंसान को नापाक नहीं कर सकती, यानी जो चीज़ें आदमी से निकलती हैं वो ही इसे नापाक करती हैं। इंसान के अंदर बहुत सी बुरी सोचें, जनाकारियाँ, लालच, बदियाँ, मकर, शहवत परस्ती, बदनज़री, कुफर गोई, हमाकत, नखूत बसी हुई हैं। ये बुराइयाँ सब निकलती हैं तो इंसान को बुराई की तरफ करती हैं, क्योंकि ये इंसान के बातन को जाहिर करती हैं कि उसके अंदर क्या है। जब इंसान कोई गलती करता है तो हम कहते हैं इंसान होते हुए सब ही गलती करते हैं, इंसान के अंदर से बुराई निकलती है जो इंसान की नापाकी का बाइस बनती है। इंसान नापाक नहीं होता बल्कि उसके अंदर की गलत सोचें उसको नापाक बना देती हैं, जो उसको खुदा से दूर ले जाती हैं और इंसान बुराइयों का शिकार हो जाता है। ये सब अंदरूनी बुराइयां इंसान को नापाक करती हैं। खुदा खुदा हम सबको अपना कलाम पढ़ने, सुनने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम से।